ऐसे समय में जनता में से सीधे जाके संवाद करना फील्ड में, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा योगदान कोई नहीं होगा आपका। अगर आप इस यात्रा के दौरान 10-20 हजार लोगों से क्योंकि अपनी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान होगा। आदिवासियों के का जो पूरा आंदोलन है, उनको न्याय का आंदोलन उनका है, जिस तरह से उनके संसाधन छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ वो आंदोलन है, अगर आप उसकी हिमायत भी करते हैं अगर आप, तो आपके ऊपर अगर यह सत्ता रहता है कि आप ही देशद्रोही हो जाएंगे, तो हम सबको ये लेबल ओढ़ने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये जो जहर फैलता जा रहा है वो खाली एक साथ के हमारे विरासत को तोड़ने का ही नहीं है, वो पूरे आर्थिक स्थितियों का है, उनके पूरे संसाधन लूटने का है। हिंसा के नए नए रूप आ रहे हैं सामने, हिंसा तो हमेशा ही थी, पर इस प्रकार का जो स्वरूप है जिसमें मीडिया से लेके हम लगातार हम सभी आज इस समय कटघरे में खड़े हैं, हमसे देश को खतरा है ये माना जाता है, क्योंकि हम आतंकी है, हम लोगों पे हम लक्षली है, हर हम ये देश की विरासत का झंडा लेके चलने वाले लोग उलट देश का आज खतरा बन चुके हैं, क्योंकि ये फैसिज्म के दौर में ये हम ही को बोला जाएगा कि अगर ये बोले ये वही है, हमारा हक छीना जा रहा है, हमें हमारे हकूक का पता ना लगने पाए, इसलिए ये कंपनी के मालिकान चाहे पार्टियों के जरिए चाहे खुद किसी और तरीके से हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हमें उन लोगों को बताना है कि आप अपने हकूक को हासिल करने के लिए लड़िए, ये मुल्क हमारा और आपका सबका है, ये मुल्क सिर्फ कंपनी की मालिकान का नहीं है।